राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर बाड़मेर जिला सरपंच संघ द्वारा सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हिंदू सिंह तामलौर नेतृत्व में बाड़मेर जिले के सैकड़ों सरपंचों ने माननीय बाड़मेर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा एवं ज्ञापन में सरपंच संघ ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि सरपंच संघ की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बाड़मेर जिला सहित राजस्थान के सभी सरपंचों द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा एवं हिंदू सिंह तामलौर ने बताया कि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की 3000 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग की द्वितीय किस्त की राशि के 1500 करोड़ रुपए जारी किए जावे। इसी के साथ महेंद्र सियोल ने बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास की राशि में से मानदेय कर्मियों पंचायत सहायक कोविड हेल्थ सहायक सुरक्षा गार्ड एवं पंप चालक के भुगतान के प्रावधानों को निरस्त कर इनके मानदेय के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जावे। ऐसी प्रमुख खबरें देखते रहने के लिए बने रहिए SV News के साथ। नमस्कार।